हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एनएम सिद्दीकी। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भिंड के बारे में। भिंड मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला मुख्यालय है और यहां पर कई धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे हम इन्हीं स्थलों के बारे में। पहला है गोहद का किला। यह किला मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोहद तहसील में स्थित है। यह किला भिंड जिले के पर्यटन आकर्षणों में से एक है। इस किले का निर्माण जाट राजा महासी ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। इस महल में की गई नक्काशियां बहुत ही आकर्षक एवं शानदार हैं। यहां का कचहरी महल ईरानी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। अगला है वन खंडेश्वर मंदिर। इस मंदिर को काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर शिव जी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि शिव मंदिर का निर्माण राजा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा सन 1175 में करवाया गया था। इस मंदिर में एक ज्योति जल रही है जिसे शाश्वत लौ या अखंड ज्योति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्योति निरंतर प्रज्वलित हो रही है। हर सोमवार को मंदिर में महाआरती भी होती है और शिवरात्रि उत्सव के दौरान हर साल यहां बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। अगला है मल्हार राव होलकर की छतरी। भिंड जिले की लहार तहसील के आलमपुर में स्थित मल्हार राव होलकर की छतरी को महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। यह अपनी सुंदर नक्काशी और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह छतरी संपूर्ण भारत में केवल इंदौर और आलमपुर में ही है। आलमपुर की छतरी भी इंदौर की होलकर शासकों की छतरियों के पैटर्न के समान है, जो फूलों और पत्ती के पैटर्न के साथ साथ इनमें बेहतरीन नक्काशीदार काम भी है। छतरी की पहली मंजिल को आकर्षक चित्रों से सजाया गया है। छतरी के कलश बहुत सुंदर और आकर्षक तरीके से बनाए गए हैं। अगला है अटेर का किला। यह किला भिंड शहर के पश्चिम में 35 किलोमीटर दूर चंबल की गहरी वादियों में स्थित है। इस किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह, महासिंह और बख्त सिंह द्वारा 1664 से 1668 के मध्य करवाया गया था। यहां आप बस द्वारा या फिर जीप और स्वयं के साधन से पहुंच सकते हैं। यहां पर बदन सिंह का महल, खूनी दरवाजा, 12 खंबा महल, राजा का बंगला, रानी का बंगला ये किले के मुख्य आकर्षण हैं। इन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं और ऐतिहासिक इमारतों को देखना पसंद करते हैं तो यह जगह आपके लिए खास है। अगला है गौरी सरोवर। भिंड में गौरी सरोवर एक बेहतरीन और खास पर्यटन आकर्षण है। गौरी सरोवर पर पार्कों को नए रूप से विकसित किया गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। आप यहाँ आकर इस सरोवर में नौका विहार का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ नौका विहार के समय जो सुखद अनुभूति होती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आपको यहाँ आकर काफी अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। दोस्तों, यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।